सो गाइज, वन प्लस ने इंडिया में 2022 में अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है वन प्लस 9 RT, जो बेसिकली पिछले साल के फ्लैगशिप वन प्लस 9 और वन प्लस 9 R को इंडिया में रिप्लेस करने वाली है। तो क्या कुछ आपको इस नए स्मार्टफोन में डिफरेंस देखने को मिलेगा पिछले साल के वन प्लस 9 और वन प्लस 9 R के कंपैरिजन में, और क्या जिस प्राइस रेंज पे ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया गया है ये वर्थ बाइंग ऑप्शन हो जाता है या नहीं, और लोगों को वन प्लस नॉट 2 के फेलियर के बाद इस स्मार्टफोन को कंसीडर करना चाहिए या नहीं, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस में लाएंगे। तो वीडियो को आगे देखते रहें दोस्तों, और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका सपोर्ट जो है मुझे ग्रो करने के लिए, इस चैनल को ग्रो करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो डिजाइन जो है काफी ज्यादा ब्यूटीफुल देखने में मिलता है, और बिल्ड क्वालिटी भी जो है काफी ज्यादा सॉलिड आपको देखने को मिलती है। फ्रंट और बैक में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आपको मिलती है। ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है। चारों तरफ जो है डिवाइस के एल्युमिनियम्स के फ्रेम्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा चार्जिंग के लिए USB टाइप सी अवेलेबल है, और साथ ही साथ स्टीरियो स्पीकर्स का भी सपोर्ट है ड्यूअल सिम के साथ, और दोनों सिम जो है यहाँ पे 5G पे ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये डिवाइस जो है 3 अमेजिंग कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, जिनके नाम है हैकर ब्लैक, नैनो सिल्वर और ब्लू। इन तीनों कलर ऑप्शंस में सबसे ज्यादा अमेजिंग लगता है ब्लैक, जो कि काफी अच्छे टेक्सचर्ड मैट फिनिश के साथ आता है। तो बेसिकली जो है फिंगरप्रिंट जो है फ्री होगा, हमेशा फिंगरप्रिंट को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और बहुत सारे लोग जो है इसके ब्लैक कलर वाले ऑप्शन के लिए जाना पसंद करेंगे, और ये एक डिफरेंस है वन प्लस 9 R के प्लास्टिक बैग के कंपैरिजन में। डिस्प्ले की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ आपको 6.62 इंचेस की एक HDR10+ सर्टिफाइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 120Hz की फास्ट रिफ्रेश रेट को जो है सपोर्ट करेगी। तो यह डेफिनेटली जो है कलर्स काफी ज्यादा अच्छे होने वाले हैं, काफी अच्छा पैनल होने वाला है यहाँ आपको देखने को मिलेगा, और वन प्लस के डिवाइसेस के जो डिस्प्लेज हैं वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं ऑलरेडी। और यहाँ आपको होल पंच डिस्प्ले है, तो किसी भी तरह का जो है नॉच वगैरह का डिस्ट्रैक्शन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कॉन्टेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है आपको काफी ज्यादा अच्छा मिलने वाला है इस डिवाइस से भी। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ आपको जो है क्वालकॉम का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 888 5G चिपसेट जो है देखने को मिलेगा, जो बेसिकली जो है 8 5G बैंड्स के साथ आएगा इस डिवाइस में। तो यहाँ आपको जो है 5G टेक्नोलॉजी जो है आप ऑपरेट कर सकते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि बहुत काफ़ी ज़्यादा बैंड्स दिए गए हैं जो कि वन प्लस 9 और वन प्लस 9 R के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। उन दोनों डिवाइसेज में मेरे ख्याल से 2 से 3 5G बैंड्स पाए जाते थे, तो वो 5G गिमिक फ़ोन थे, बट डेफिनेटली ये फ़ोन जो है 5G गिमिक जो है नहीं होने वाला है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लंडर ये है कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको सिर्फ एंड्रॉयड 11 देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली ऑक्सीजन OS पर बेस्ड है, जो बाद में जाके एंड्रॉयड 12 हो जाएगा, कलर OS हो जाएगा, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स आपको सिर्फ एंड्रॉयड 11 देखने को मिलता है। और साथ ही जो है ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, वन प्लस प्रॉमिस कर रही है इस डिवाइस को जो है 3 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स देगी और 2 साल तक के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंड्रॉयड 11 ऑलरेडी है, एंड्रॉयड 12 और एंड्रॉयड 13 तक ही जो है ये डिवाइस जो है बेसिकली सपोर्टेड रहेगा, जो कि बहुत ही गलत बात है, क्योंकि 2022 में जितने भी स्मार्टफोन जो है रिलीज हो रहे हैं वो सभी के सभी एंड्रॉयड 12 के साथ ही आने वाले हैं। इनफैक्ट मेरे गैलेक्सी S21 फैन एडिशन का रिव्यू भी अगर आप चेक कीजिएगा, तो वो भी फ़ोन जो है आउट ऑफ द बॉक्स One UI 4.0 पर आता है, जो कि बेसिकली सैमसंग का स्किन है और वो एंड्रॉयड 12 पर बेस्ड है। तो यह डेफिनेटली ये इस फ़ोन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सॉफ्टवेयर के साइड में। रैम और स्टोरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अब देखा जाएगा कि इंडिया में जो वेरिएंट्स लॉन्च हो रहे हैं उनमें कौन कौन से स्टोरेज ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल 3 स्टोरेज ऑप्शंस हैं, 8 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज, या फिर 8 GB रैम, 256 GB स्टोरेज, या फिर 12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज। कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, और कैमरा डिपार्टमेंट जो है वन प्लस 9 या फिर वन प्लस 9 R के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मेन लेंस है वो 50 मेगापिक्सल के न्यू सोनी के सेंसर के साथ आने वाला है, जो सोनी का नया सेंसर है,
और यहाँ आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो वीडियोस या फिर फोटोज काफी ज्यादा अच्छे आने वाले हैं अगर आप कंपेयर कीजिएगा OnePlus 9 या फिर OnePlus 9R से। इसके अलावा 16 मेगापिक्सल का आपको जो है एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी देखने को मिलता है जो कि 123 डिग्री के फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है, विच इज मोर देन यूजफुल। आइदर यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का आपको जो है एक मैक्रो लेंस देखने को मिलता है जो कि मैक्रो शूटर्स बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, और इसके जगह पे अगर एक 5 या 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दे देता वन प्लस तो दैट वुड हैव बीन अ मोर यूजफुल ऑप्शन, बट है तो है, क्या कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे रियर कैमरा से आप 4K एट 60 फ्रेम्स पर सेकेंड तक जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उम्मीद यही है कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो है सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ जो है और भी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो, क्योंकि वन प्लस के डिवाइसेस में देखा गया है कि सॉफ्टवेयर के साथ जो है वीडियो रिकॉर्डिंग्स और फोटो क्वालिटी जो है हमेशा इम्प्रूव होते रहे हैं। तो यह डेफिनेटली वीडियो रिकॉर्डिंग का अच्छा खासा ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का जो है आपको एक फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलता है जो कि 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड तक के रिकॉर्ड वीडियोस कर सकता है, जो कि स्लाइटली ऑन द लोअर साइड है। बेसिकली सेल्फीज वगैरह आप जो है अच्छे खासे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसा कि वन प्लस का कैमरा डिपार्टमेंट कहता है। वैसे वन प्लस का कैमरा डिपार्टमेंट उतना ज़्यादा जो है फेमस नहीं है, उतना ज़्यादा कम्पीट नहीं कर पाता है अगर हम कंपेयर करें सैमसंग से या फिर पिक्सल से या फिर आईफोन वगैरह से, बट देखा जाए कि इस वन प्लस 9RT में जो है कैमरा किस तरीके का यहाँ पे दिया हुआ है। अदर फीचर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिल जाएगा, NFC वगैरह का सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा, और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा जो कि बेसिकली एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। बैटरी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको मैसिव 4500 यानी कि 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जो कि वन प्लस के टिपिकल जो है मैं कह सकता हूँ सुपर वूक चार्ज या सुपर डार्ट चार्ज जो भी है उसको सपोर्ट करती है। 65 वॉट की जहाँ यहाँ आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा जो कि इस डिवाइस को लगभग 100% फुल चार्ज कर देगा अराउंड 30 मिनट्स के अंदर। इंडियन प्राइसिंग की अब बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट, उसकी प्राइस रखी गई है 42,999 रुपीज़ यानी कि 42,999 रुपये। तो इस प्राइस रेंज में आपको देखना होगा लॉन्जिविटी ऑफ द डिवाइस क्या है, यानी कि ये डिवाइस आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 के साथ आता है, वही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और कलर ओएस और ऑक्सीजन ओएस के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि सभी वन प्लस की डिवाइसेज जो है इन फ्यूचर कलर ओएस को ही अप्लाई करने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये पसंद आएगा, बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। इस प्राइस रेंज में अभी के टाइम में इंडिया में पिछले साल के आईफोन्स वगैरह भी मिलना शुरू हो रहे हैं, और बहुत सारे डिवाइसेज ऐसे हैं कि अगर आप 7000 या 5000 और ज़्यादा डालिएगा तो आपको जो है अच्छे मतलब परफॉर्मेंस वाले डिवाइसेज और लॉन्ग टर्म चलने वाले डिवाइसेज जो है मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्राइस रेंज में मैं यही कह सकता हूँ कि वन प्लस जो डिवाइसेस को ज़्यादा पसंद करते हैं, जो वन प्लस डिवाइसेस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उनके लिए जो है ये डिवाइस उनको ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि ये एक वर्थ बाइंग ऑप्शन है, और ये डायरेक्टली कम्पीट कर रहा है सैमसंग के गैलेक्सी S21 फैन एडिशन के साथ, और इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो इसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट ही है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, आपके सपोर्ट की और चैनल को ग्रो करने के लिए हम लोगों को स्पेशली मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।